प्रिय बहनों और भाइयों भांजे और भांजियों, आप सबको वर्ष प्रतिपदा की गुड़ी पड़वा की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आज से ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है नवरात्रि की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और देवी माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए भगवान करे कोई कष्ट आपके जीवन में ना रह पाए और माँ हमें इतनी शक्ति देने की सांस लें लेकिन मित्रों माँ भी उसी की सहायता करती है जो अपनी सहायता अपने आप करता है हम सब ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है कोरोना कहर बन के आज लेकिन डरने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है जरूरत है केवल सावधानी की जरूरत है कुछ विधि निषेधों का पालन करने की और इसलिए आइए डरे नहीं कोरोना से लड़े जी ने कल हमें बताया है और सारी दुनिया जैसे जानती है और वो उपाय है संपर्क की चैन को तोड़ देना एक दूसरी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है और जिनके आह्वान पर हमने बाईसुत नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा देश उनके पीछे खड़ा हो गया उन्हीं के नेतृत्व में हमको कोरोना को समाप्त करना है दिन दिन तो निकल गया बहनों और भाइयों अब 20 बचे हैं इन 20 दिन में हम अपने आप को अपने घरों घरों में ही रखें घर के बाहर ना जाएं लक्ष्मण रेखा का आप पालन कीजिए 20 दिन निकलने में कितना वक्त लगता है कोना तो को परास्त करने के लिए अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए है तो 20 दिनों तक और आपको केवल केवल अपने घरों में ही रहना है 21 दिन में अगर हमने प्रधानमंत्री जी की अपील स्वीकार करके अप। और ये इसलिए जरूरी है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो नुकसान केवल आपका नहीं होता आप अपने बच्चों के संपर्क में आएंगे आप अपने परिवार के संपर्क में आएंगे आप अपने मित्रों के संपर्क में आएंगे आप अपने सहयोगियों के संपर्क में आएंगे और उनके संपर्क में अगर आप बाहर जाके आए तो सोच लीजिए हम कोरोना को सब में फैलाने का उसे नौजवान साथियों से मेरे बेटे बेटियों से ये भावपूर्ण अपील करता हूं मत निकलिए 21 दिन तक घर के बाहर अत्यावश्यक वस्तुओं की हम कोई कमी नहीं आने देंगे मित्रों मैं आपको आश्वस्त करता हूं कल भी मैंने आश्वस्त किया था आपको आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो कलेक्टर एस पी संबंधित अधिकारी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करके और दिशा निर्देश दे के आ रहा हूं मैं फिर कहना चाहता हूं अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी नहीं आने दी जाएगी दूध सब्जी किराने का सामान दवाइयाँ इसकी कमी नहीं आएगी और ये दुकानें भी उपलब्धता के लिए इन वस्तुओं के रहेंगी खुली रहेंगी लेकिन याद रखें निकलना नहीं है अगर अत्यावश्यक हो तो केवल एक व्यक्ति जाएगा और जो सोशल डिस्टेंस है उसको बना के रखेगा सभी बहनों और भाइयों से सभी धर्मगुरुओं से सभी समाज सेवियों से इस दौरान कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे कोई धार्मिक आयोजन नहीं होंगे कोई सामाजिक आयोजन नहीं होंगे ऐसे कोई भी आज आयोजन जहां भीड़ इकट्ठी हो हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे नवरात्रि का पर्व है घर में रहिए अकेले मां की साधना कीजिए उपासना कीजिए ये साध समय दीजिए समय देखते देखते निकल जाएगा कोई आयोजन भीड़ वाले नहीं होंगे और ना भीड़ को बाहर निकलना है मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए हमारे पुलिसकर्मी हमारा सरकारी अमला दिन और रात काम कर रहा है वो आपसे अपील करते हैं वो आपसे समझाते हैं और अगर कोई नहीं मानता तो वो सख्ती भी करते हैं मेरी आपसे अपील है उन्हें आप सहयोग करने की कृपा करें मैं निवेदन करना चाहता हूं कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है यदि सावधानी बरती गई तो हम अगर सावधानी बरतेंगे कोरोना को हम परास्त कर देंगे इलाज की सारी व्यवस्थाएं हम सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं मेडिकल और कॉलेजेज में कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के जितने अस्पताल हैं नर्सिंग होम्स हैं हम उनसे टाइप कर रहे हैं अगर कोरोना से कोई पीड़ित है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है सारा इलाज उसका चाहे सरकारी अस्पताल हो मेडिकल कॉलेजेज हो या प्राइवेट चिन्हित अस्पताल हो नर्सिंग होम हो वहाँ निशुल्क करवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं दवाओं की आपूर्ति हम सुनिश्चित कर रहे हैं लेकिन सर्दी खांसी बुखार जुकाम हर चीज कोरोना नहीं है अगर ऐसी कोई साधारण चीज है तो हमने दो नंबर कॉल सेंटर के आपको दिए हैं वन जीरो हमने आज निर्देश दिए हैं कि इन बीमारियों की दवाई आपके घर पर उपलब्ध करवाने की हम व्यवस्था करेंगे सरकारी अमले के माध्यम से कुछ वॉलेंटियर्स और समाज सेवियों के माध्यम से उसकी व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं सारे विभागों की गाड़ियाँ हम मोबाइल गाड़ी बनाकर इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे अमले का भी इस्तेमाल करेंगे और मोहल्ले में भी अगर कोई भी मिलते हैं तो उनका भी हम इस काम के लिए उपयोग करेंगे इलाज सुनिश्चित किया जाएगा इसके लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिए मैं ये अपील गरीब भाई बहन है हमारे कई बेटे बेटियां कोई छात्रावासों में रह रहा है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रह रहा है अन्य स्थान पर रह रहा है मैं उनसे भी अपील करता हूँ वो घर ना जाए वो वहीं रहें उनके भोजन की उनके फूड पैकेट्स की एक सौ इक्यासी नंबर पे आप कॉल कीजिए अपने कलेक्टर को आप सूचना दीजिए हम तत्काल कोशिश करेंगे कि आपके आवश्यकता की विशेषकर भोजन की पूर्ति हम कर पाएं हमारे गरीब बहनों और भाइयों के लिए भी दिहाड़ी मजदूर जो रोज काम करते थे खाते थे होटल बंद है उनको भी फूड पैकेट्स की व्यवस्था कई लोगों ने आगे बढ़ के कहा है हम एक हजार पैकेट बनाएंगे हम पांच हजार पैकेट बनाएंगे उनके सहयोग से इस भोजन की व्यवस्था की जाएगी मैं दानदाताओं से मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ने के लिए दिया है सभी विधायक सांसद साथियों सहित सभी दानदाताओं से अपील है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देकर अपना सहयोग कर सकते हैं मेरे निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा और मेरे किसान भाइयों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूं फसल पक्के तैयार है कई जगह चिंता प्रकट की है किसान मित्रों ने कि हार्वेस्टर नहीं आ पा रहे आने नहीं दिए जा रहे आज मैंने निर्देश दे दिया है हार्वेस्टर आने से रोके नहीं जाएंगे होने पर वो हार्वेस्टर लेके आएगा कटाई के काम में लगेगा मैं गांव में रहने वाले भी मेरे सभी भाई बहनों से अपील करता हूं इस बीच अपने गांव से बाहर ना निकले आप गांव से बाहर नहीं निकलेंगे फसल की कटाई की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं उसकी चिंता भी आप ना करें और फसल कटाई के बाद गेहूं के उपार्जन की व्यवस्था के लिए आप चिंतित होंगे लेकिन चिंता मत कीजिए आज ही मैंने बैठक ली है कल मैं गेहूं की खरीदी के लिए भी दिशा निर्देश वो बनाने की आवश्यकता है उसके बारे में कल दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे चिंता क्यों करते हो आपके साथ मैं हूं ना हम मिलके सारे उपार्जन की बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना उनको बारह सौ रुपया दो महीने का एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा कर्मकार मंडल के अंतर्गत जो मजदूर भाई और बहन आते हैं उनको एक हजार रुपए की सहायता बहन सहरिया, बैगा भारिया जनजाति के परिवारों को हम दो हजार रुपये की राशि भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस संकट के इसकी जरूरत नहीं है हर मरीज की जान जाएगी ये गलत धारणा है कई लोग ठीक होते हैं मेरे बहनों और भाइयों और इसलिए पॉजिटिव पाए जाने पर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट चिन्हित अस्पताल में निशुल्क इलाज करवाया जाएगा प्राइवेट परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि है इसे कोरोना के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण बंद होने से मध्याह्न भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है इसे अब विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की एक करोड़ पंद्रह लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम मिलके लड़ेंगे संकट बड़ा है लेकिन मनोबल हमारा उससे बड़ा है और हमारे साथ भारत के प्रधानमंत्री पीछे सारा देश खड़ा होता है आइए हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो और मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतने के काम पूरी तरह से सफल बनाइए मैं अभिनंदन करता हूं सारे डॉक्टर्स का नर्स अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे रहे उनका हम अभिनंदन करते हैं कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आई हरकत किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूँ लेकिन ऐसी लाभ कई बार जमा दाम बढ़ा के चीजें बेची गई तो मैं चेतावनी देता हूं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इस लड़ाई में हम साथ मिलकर खड़े हो और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें पूरी तरह से पालन करें कुछ दिनों का संकट है इसका मुकाबला करके विधि निष्धों का पालन करके घर पर अकेले रहकर लॉकडाउन को सफल बनाकर प्रधानमंत्री जी की अपील और बताए रास्ते पर चलकर हम इसका मुकाबला करेंगे और कोरोना को परा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम